पेड़ ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसे नंगे नहीं, ना ही इंसान नंगा अच्छा लगता है। तो नंगा ना करें खुद को और ना ही पेड़ों को। वारे सारे में ही निकाले थे, क्यों आगे भी देख। और आज हमारे पास खाने को ऐसी टू फिर से लाए थे हम लोग ये। ओहो वो सभी हम जा रहे हैं सरोलसर की तरफ, अभी 10 मिनट का रह गया। सरोलसर एक जैसी जगह पीछे, वो ये कौन है? चलो रे क्या क्या दिखता है? ऑलमोस्ट 70 मिनट लगाए हम लोगों ने वहां से यहाँ तक, और ये है कुछ ऐसा नजारा। अब तो बंद कर दिया, क्यों परे पानी के अंदर जाना? ये कब किया बंद? अरा पहले गुस्से थे हम यहाँ, एक बार मैं को उसने भी झरकाया पंडित ने ऊपर से, ओ ओ अंदर में जाओ। पहले बोला हाँ जी हाँ जी, जैसे वो अंदर गया ना फिर घुस गए वहाँ पानी में। और ये है सरोलसर झील। ओके कैसा रहा आपका यहाँ तक का सफर? कहेंगे कुछ? कुछ भी नहीं कहेंगे, इशारों में ही बोल दिया। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? मंदिर के अंदर नंगे सिर जाना सख्त मना है, बेल्ट व पर्स लेकर जाना भी सख्त मना है। मंदिर के चारों ओर पॉलीथीन पत्तल गिलास व कोई भी सामान ना फेंकें, इन्हें यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही फेंकें। आज से 4 साल पहले आया था मैं, तो काफ़ी चेंज दिख रहा हूँ यहाँ पे। कोशिश करें अपना सामान नीचे रखें, मंदिर को ना ले जाएं। आजकल ऐसे भी कोरोना का टाइम है तो सैनिटाइज होके जाएं मंदिर में, और कूड़ा करकट ना फेंकें। एक ही बात है जो पता नहीं कहने के बाद भी आदमी को समझ क्यों नहीं आती। जंगल में काफ़ी था, काफ़ी उठाया हम लोगों ने, पर कितना हो ही नहीं पाया। सामान क्या करना, ऊपर ले जाना, ऊपर रखेंगे बोर्ड के पास, क्यों सामान वगैरह। कुछ ऐसा नज़ारा मंदिर का, और ये सरोलसर झील। मंदिर वैसे बूढ़ी नागिन माता का है, यहाँ पे आपको कैफे वगैरह मिल जाएंगे नाइट स्टे के लिए, कैंपिंग वगैरह कुछ। Only note ahead is the seat of Mata Budhi Nagin and visitors are requested not to sit or touch the seat. अभी तो पता है कि वो चिड़िया बनी कब आएगी, दिखी होनी हो किसी को कभी, जहाँ साफ करती है। यह क्या स्टोरी क्या है इस चीज़ की?
कहाँ लिखी है? मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सुना क्या था कि मतलब साफ हो जाता है यहाँ पे ये पत्ते बीच झील में, तो रुकते ही नहीं। ये आपको बिल्कुल सरोवर के नज़दीक में मिलेगी जगह, कॉन्टैक्ट नंबर है